हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चटपटा और बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स बनाने जा रहे हैं, जो बनाने में बहुत आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस स्नैक्स की खास बात यह है कि स्टफ्ड स्नैक्स होने के बावजूद इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जब भी आप सफ़र में जा रहे हों तो सफ़र में तो ऐसा स्नैक्स खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, या सुबह की भागम भाग में कभी टिफ़िन तैयार नहीं हो पाए तो आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये स्टफ्ड है इसलिए कम क्वांटिटी में भी इससे पेट भर जाता है। तो चलिए, देर किस बात की, ये बहुत ही लाजवाब स्टफ्ड स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर 2 कप मैदा ले लिया है। आप इस स्नैक्स को गेहूं के आटे के अंदर भी बना सकते हैं। गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी सूजी भी मिक्स कर सकते हैं, तो उस टाइप से भी आप इसे बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इससे पहले मैंने कुछ इसी तरह का स्नैक्स आपसे शेयर किया था, जो मैंने गेहूँ के आटे और सूजी के अंदर बनाया था। तो ये स्नैक्स मैं मैदे में बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैदे के अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक के साथ साथ यदि आपको जीरा या अजवाइन का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसके अंदर थोड़ी सी क्रश की हुई अजवाइन या जीरा भी मिला सकते हैं। अब इसके अंदर हम मोइन के लिए डालेंगे तेल। तेल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी ये स्नैक्स बहुत खस्ता बनता है। तो 1/3 कप मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। 2 कप मैदे के लिए हम 1/3 कप तेल का इस्तेमाल करेंगे, तो इतना तेल हमारा ज़रूर होना चाहिए। इसी से जो स्नैक्स बनेगा वो काफ़ी खस्ता बनेगा। तो तेल को चेक करने के लिए आप इस तरह मैदे में अच्छे से तेल को मिक्स कर लें और फिर इसे इस तरह हथेलियों में बांध कर देखें। यदि मैदा अच्छे से बंध रहा है हथेलियों के अंदर, यानी जो तेल है वो एकदम परफेक्ट है, तो इससे स्नैक्स हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हम धीरे धीरे करके इसके अंदर नॉर्मल पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो हमें एकदम टाइट ही लगाना है, तो इसके लिए पानी धीरे धीरे ही ऐड करें, क्योंकि हमने तेल ऐड किया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा पानी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करते जाऊंगी और जब ये एक तरह से अच्छे से बनने लगेगा तब हम पानी डालना बंद कर देंगे और इसे काफ़ी अच्छे से गूंथ लेंगे। तो लगभग इसमें 3/4 कप पानी का ही यूज़ हुआ है। अब हम इसमें इतना ही पानी डालेंगे। मैदे को अच्छे से गूंथ लेते हैं। अब डो बनकर तैयार है और इसे कवर करके रख देंगे एक हल्के गीले टॉवल से, और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो मैदा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी का एक बड़ा ग्राइंडर जार ले लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ नमकीन डालेंगे जो घर पे इजीली अवेलेबल रहती हैं। तो मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ नमकीन सेव 1/4 कप। थोड़ी थोड़ी नमकीन ही डालेंगे क्योंकि हम कई तरह की नमकीन इसके अंदर डालेंगे। ये जो सेव आती है वो काफ़ी तीखी आती है। और अब इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ आलू भुजिया 1/4 कप। इससे भी टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो नमकीन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं नमकीन मैं आपको बता रही हूँ आप वही इस्तेमाल करें। जो भी घर पे अवेलेबल हो नमकीन, आप वो नमकीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1/4 कप इसके अंदर चना दाल नमकीन डालेंगे और साथ ही डालेंगे इसके अंदर 1/4 कप मूंग दाल नमकीन। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप कच्ची मूंगफली को तेल के अंदर थोड़ा फ्राई कर लिया है। मूंगफली से इस स्नैक्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो मूंगफली आप ज़रूर डालें। मूंगफली के साथ साथ आप इसमें काजू या बादाम भी डाल सकते हैं। अब इसे ढक देते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। इसका बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बिल्कुल ना बनाएं, नहीं तो खाते समय ये गले के चिपकने लगेगा। तो बस ग्राइंडर को थोड़ा सा ही चलाएं और इसका एकदम दरदरा पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इस ग्राइंडेड पाउडर के अंदर हम कुछ चीज़ें और मिलाएंगे जिससे इसका टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे और भी दरदरा और थोड़ा सा अलग टेस्ट देने के लिए इसके अंदर 1/4 कप बारीक वाली सेव डाल रही हूँ, जो नॉर्मली आप गोलगप्पे या चाट पापड़ी इन सब के ऊपर डालते हैं वो सेव है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इससे टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा यदि डालेंगे। साथ ही 1/4 कप हम इसके अंदर किशमिश डालेंगे। किशमिश को मैंने यहाँ पर 2 हिस्सों में काट लिया है ताकि हमारी हर बाइट के अंदर किशमिश का फ्लेवर आए। इससे टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही आएगा, स्टफिंग है वो गले के चिपकेगी भी नहीं और बहुत ही चटपटा और मीठा टेस्ट आएगा, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर
और साथ ही डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो हमने सारी सूखी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर 1 से 1.5 बड़े चम्मच इसके अंदर नींबू का जूस डाल रही हूँ। नींबू के जूस की जगह आप इसके अंदर टोमेटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर नींबू का जूस ऐड कर देते हैं ताकि जो मिक्सचर है उसमें चटपटा टेस्ट भी बना रहे और जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी बंद जाए। यदि बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा हमारा मसाला तो जब हम स्टफिंग करेंगे तब दिक्कत आएगी और खाते समय वो मसाला है वो बाहर निकलेगा। तो ये देखिए, इस तरह जब हम इसे इस तरह हथेलियों के अंदर बांधेंगे तो ये हल्का सा बंधेगा। तो इसमें मॉइस्चर भी आ गया है थोड़ा सा नींबू के जूस के कारण और चटपटा टेस्ट भी आ गया है। तो दोनों तरीके से ये बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब डो को चेक कर लेते हैं। टावल को हटा देते हैं। अब इस डो को हम 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से गूंदेंगे। तो इसे एक फ्लैट सरफेस पर अच्छे से गूंदें, क्योंकि ये मैदा है तो मैदे में ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है तो इसे बांधना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसे अच्छा स्मूथ और चिकना बनाने के लिए आप इसे इस तरह एक फ्लैट सरफेस पर खींचें और गूंदें, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से इसका डो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हो गया है। अब एकदम छोटी छोटी यानी नींबू से भी छोटी साइज की बोल हम तोड़ेंगे। अब इसे चपटा करके हम बेल लेते हैं, क्योंकि डो हमारा काफ़ी टाइट है तो हमें इसमें तेल या फिर कोई आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही इजीली बेला जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा तेल या फिर आटा लगा सकते हैं ताकि ये आसानी से बेला जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे पूरी के साइज का बना लिया है और अब इसके अंदर हम थोड़ी स्टफिंग डाल देंगे। तो यहाँ लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने स्टफिंग डाल दी है। इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे, चिपका देते हैं साइड में से, और अब इनके कॉर्नर्स पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। अब दोबारा साइड में से हम इसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं, चिपका देते हैं अच्छे से, और अब ये जो लास्ट का कॉर्नर बचा है उस पर हल्का सा पानी लगाकर इसे इस तरह फोल्ड मार देते हैं। तो इस तरह बहुत ही आसानी से बन जाता है। हो सकता है आप 1-2 रोल बनाएं तब आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन 1-2 रोल बना लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे गुजिया का जो सांचा आता है उसमें भी बना सकते हैं, बस वो देखने में गुजिया जैसे लगेंगे और ये देखने में थोड़े रोल जैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये हम प्लेट में रख देते हैं और बाकी के रोल भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन रोल को हम कर लेते हैं डीप फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर तेल चढ़ा दिया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, हल्का गर्म तेल ही हमें इस्तेमाल करना है ताकि जो अंदर की लेयर हैं वो भी धीरे धीरे डीप फ्राई होकर अच्छे से पक जाएं, नहीं तो जो अंदर की लेयर हैं वो कच्ची रह सकती हैं। तो जिस तरह हम समोसा कचौरी उनको डीप फ्राई करते हैं एकदम हल्के गर्म तेल में, उसी तरह इनको भी एकदम हल्के गर्म तेल में हम डीप फ्राई करेंगे। तो ये कुछ रोल हैं वो मैंने डाल दिए हैं पैन के अंदर और इन्हें धीरे धीरे डीप फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा जब ये एक तरफ से डीप फ्राई होने लगे तब हम इन्हें पलट देंगे और कम से कम 2 से 3 बार पलटते हुए हम डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है। आप चाहें तो कढ़ाई के अंदर तेल लेकर इसे पूरा डीप फ्राई कर सकते हैं। तो इसे मैं 2-3 बार पलट दूँगी। अब इन रोल्स को हमने 2-3 बार इस तरह पलटते हुए अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। धीरे धीरे डीप फ्राई करने से ये अंदर तक काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं और अब देखिए ये अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा प्यारा कलर आ गया है इनका, बहुत ही अच्छे और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं ये देखने के अंदर। तो बस अब इन्हें एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर हम निकाल लेते हैं। आप इन स्नैक्स को हरी चटनी, मीठी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इसके साथ थोड़ी सी फ्राइड हरी मिर्च खाएं तो ये खाने में और भी तीखे और चटपटे लगेंगे। मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है, थोड़ी सी हरी मिर्च की बाइट जब साथ में जाती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यदि आपको तीखा पसंद हो तो आप इसे हरी मिर्च के साथ कॉम्प्लीमेंट करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। रोल्स को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और सारे रोल्स इसी तरह डीप फ्राई कर हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही चटपटे ड्राई मिक्सचर स्टफ्ड स्नैक्स बनकर तैयार हैं।
फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें इसे। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।